हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बीएड की क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे। की संख्या आपको कम इसलिए लग रही है क्योंकि ये बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम हमारा स्कूल चेंज कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले इंटरनल सिर्फ की जो लिस्ट है वो बनके कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम बहुत दूर स्कूल पढ़ रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम चेंज कर दिया जाए। ये वही बच्चे आए हुए हैं जिनको प्रॉब्लम है और इनकी इंटरनल सिर्फ 16 वीक की लगने वाली है। इससे पहले लिस्ट बन गई है, अब नई लिस्ट कंप्लीट हो रही है। और इसको लिस्ट बनाने में, क्योंकि सर लोगों ने पूरी लिस्ट कंप्लीट कर दी थी और उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि नए तरीके से दोबारा लिस्ट बन रही है। अकेले बनाना बहुत टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी टाइम 2:30 हो चुका है और कितना टाइम लगेगा ये आगे नहीं पता है, इसलिए बच्चों की हेल्प लेंगे। सर जा चुके हैं और यहाँ पर बच्चों की मदद से सारी लिस्ट मैं कंप्लीट करूँगी और बच्चे भी मेरी मदद कर रहे हैं। इंटर्नशिप में इससे पहले बच्चों, आप लोग ने देखा होगा ब्लॉग में कि बच्चों की टीचिंग लगी हुई थी, उनकी प्रैक्टिस हो गई सारी चीज़ों की। अब ये इंटर्नशिप के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें रजिस्टर कंप्लीट करना है, जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, मतलब मॉर्निंग की असेंबली जो होती है उस पर फोकस करना है बच्चों को। बाकी बच्चे ट्रेंड हैं हमारे, लेकिन इंटर्नशिप के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जो टीचिंग करेंगे उसकी जो डायरी है उसको मेंटेन करना है, जो पढ़ाना है सारी चीज़ें। हम बच्चों को समझा रहे हैं कैसे क्या करना है। साथ ही मुझे भूख लगाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, मैंने जैसे पहले ही बताया, मैंने समोसा मंगाया खाया, बच्चों ने भी खाया। आगे टाइम और भी लगने वाला है, कई टॉपिक हैं जिनमें कि अभी डिस्कस बाकी है बच्चों से, आप आगे देखिएगा। छुट्टी का टाइम 2 बजे होता है, लेकिन अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:30, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर टॉपिक है टूर जाने का, तो टूर के टॉपिक में बात हो रही है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों से सारे पेरेंट्स 2-3 दिन के लिए नहीं भेजने के लिए तैयार होते हैं। कुछ पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे। टूर का जो टॉपिक रखा गया है अयोध्या है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ज़्यादातर बच्चों ने बोला है अयोध्या चलते हैं क्योंकि राम मंदिर बना हुआ है। कुछ लोगों ने कहा मनगढ़ जाने की बात कही, सबके भी अलग अलग मत है, एक मत में नहीं डिसीजन आ पाया है, इसलिए अभी ये टॉपिक बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है। आपस में डिस्कस कर लें, जब डिसाइड हो जाएगा तो बच्चों को सुबह जाना है और रात में वापस आना है। टूर ऐसा ही रहेगा क्योंकि सभी के साथ मैं भी 2-3 दिन के लिए नहीं जा सकती हूँ, इसलिए टाइम हो गया है और भी ये टॉपिक चलता रहेगा। कुछ बच्चे जा चुके थे इससे पहले क्योंकि उनको जल्दी थी। बच्चे साड़ी में जाना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज में जो साड़ी है इनकी, उस साड़ी में नहीं जाना चाहते हैं। साड़ी में जाना चाहते हैं लेकिन कलरफुल साड़ी में जाना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा नहीं, उस साड़ी में नहीं जाना है, क्योंकि अलग अलग साड़ियाँ हो जाएंगी। जो कॉलेज में साड़ी चलती है बीएड के में, उसी साड़ी में जाना है। सब लोग इक्वल लगेंगे और बहुत अच्छे बच्चे लगते हैं, क्योंकि इनको मैंने बताया कि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सो कुछ बच्चे अभी भी चले गए हैं और बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का टाइम भी बहुत ज़्यादा, अभी तो 4:30 हो चुका है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, काम हो गया है। और बच्चे खुश भी हैं क्योंकि उनको जो स्कूल दिया गया है आसपास ही दिया गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, बच्चे आसानी से जा सकते हैं, इसलिए बच्चे खुश हैं। मगर भी चली कुछ नहीं कहीं से बनेगी।
बच्चे जा चुके हैं और हम भी जा रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, घर पहुँच के आपको दिखाते हैं सभी क्या कर रही है। बाबू आप लोग ने देखा ना, सभी उनको भाव नहीं देती हैं, दादी इससे बिजी रहती है, मतलब पापा चपाते दौड़ के जाती हैं पापा के पास, लेकिन सभी ने मुझे भाव नहीं देती है। अभी हम लोग आज लेट हो गए हैं क्योंकि डेली का हम लोग का रूटीन रहता है फ्रूट्स खाने का। मम्मा बैठ कर रही थी इसलिए हम लोग फ्रूट सभी खा रहे हैं और टीवी में वही पूरा होकर भटक जाता है। बाबू बाबू पैर सीधे करो। आप कहाँ जा रहे थे और आपको रूम से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? आपको टेंशन नहीं हो, सिर्फ मुँह चाहिए आपका, मतलब कल मुझे जाना होगा। बाबू खड़े हो, कल तो मुश्किल। बाबू खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक मौज पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, पैर पर जोर डालना ठीक नहीं है। खड़े हो जाओ, इसका मतलब कुछ दिन और मुझे आपका यूँ ही बोझ बन कर रहना। हमारे लिए कोई भी पेशेंट कभी बोझ नहीं बन सकता, पर ये तो हमारी ड्यूटी है। आप इतने आराम से जाने पास आ जाओ, आपके पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद ही आपको जाने देंगे। सब्जी लेके आए हुए हैं बैंक से आने के बाद, देखते हैं क्या क्या लाए हैं। आ रहे हैं फ्राई राइस बनाने, उसमें सारी सब्जी इसमें डालेंगे। दोनों लोग टीवी देख रहे हैं, सब मोबाइल देख रहे हैं। यहाँ मुझे मोहित भैया की याद आ गई है। मोहित भैया डेली फ्राई राइस, इडली, डोसा ये सारी चीज़ें खाते हैं, साउथ में यही सब मिलता है। मोहित भैया को अभी वीडियो कॉलिंग भी करने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं कि आप डेली खाते हैं, लेकिन हम लोग डेली राइस फ्राई नहीं खाते हैं, राइस भी जा रहे थे बहुत कम खाते हैं। सो उनको डेली खाना पड़ता है क्योंकि उनकी हैबिट थी जबकि रोटी खाने की, बट उनको खाना पड़ रहा है, यही सब मिलता है वहाँ पर साउथ में। रोटियाँ दो सप्ताह में दो बार मिलती हैं, हाँ फ्राइड राइस। संडे को पूड़ी सब्जी होता है, उनका मीनू अलग है। सारी चीज़ें लीजिए, कोई ले लीजिए। आने वाला है टीवी, देखो टीवी मार रहा है, चलो आओ। सभी आ जाओ और डॉगी के पास चले। ठंड है ना, ठंड ये नहीं होंगे, हम अभी तो निकले हुए हैं। बिस्कुट भी नहीं खा रहे मम्मा, तो इनको क्या चाहिए? Bye-bye.
मम्मा इसका जूता। अच्छा क्या क्या कर रही है? ये डॉग को बिस्किट खिलाने आई थी। अच्छी बात है। हाँ बहुत गाड़ी आ रही है बाबू, किनारे किनारे।